हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ विजय। टुडे वी डिस्कस द टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सॉल्यूशन लाप्लास इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली एक्स का स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली वाई का स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसको हमने इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दिया। यहाँ पे या यू किस किस का फंक्शन है? यू फंक्शन है एक्स वाई और जेड का। अब हमने क्या किया, लेट कर लिया, लेट अस अज्यूम द इक्वेशन वन हैज सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म यू ब्रैकेट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कैपिटल एक्स ब्रैकेट स्मॉल एक्स प्लस कैपिटल वाई ब्रैकेट स्मॉल वाई कैपिटल जेड ब्रैकेट स्मॉल जेड। इसको इक्वेशन नंबर टू दे दिया, जो हमने इस फर्स्ट के सॉल्यूशन लेट किए हैं, अज्यूम किए हैं। फिर हमने क्या किया, जो हमारी जो सेकंड इक्वेशन है ये वाली यू वाली, इसको हम पहले तो डबल डेरिवेटिव कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर डबल डेरिवेटिव करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर डबल डेरिवेटिव करते हैं जेड के रिस्पेक्ट में। किसको? इक्वेशन नंबर टू को। या हमने इक्वेशन नंबर टू को डबल एक्स के रिस्पेक्ट में किया, डबल डेरिवेटिव किया एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसके रिस्पेक्ट में हम डबल डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई और जेड, और इसका डेरिवेटिव आ गया डी का स्केयर एक्स बाय डी एक्स का स्केयर। इसी तरह हमने वाई के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव किया, तो हमारे पास ये आ गया एक्स जेड डी का स्केयर वाई डिवाइड बाय डी वाई का स्केयर। और जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे डबल डेरिवेटिव इक्वेशन टू का, तो हमारे पास ये आ जाएगा कर्ली स्केयर यू बाय कर्ली जेड का स्केयर इजिकल टू एक्स वाई और डी का स्केयर जेड डिवाइड बाय डी जेड का स्केयर। इसको इक्वेशन नंबर हमने थर्ड नाम दे दिया। जब हम जो हमारी ये इक्वेशन थर्ड नाम दिया था, जिसका यूजिंग करेंगे थर्ड को इक्वेशन किस में, वन में पुट कर देंगे, हमारे पास ये आ गया, इसका मान आ गया, और इसको हम पुट कर देंगे थर्ड को इक्वेशन वन में। पुट करने के बाद हमारे पास ये आ गई वाई जेड डी का स्केयर एक्स वाई डी एक्स का स्केयर प्लस जेड एक्स डी का स्केयर वाई वाई डी वाई का स्केयर प्लस एक्स वाई डी का स्केयर जेड वाई डी जेड का स्केयर इजकल टू जीरो। यहाँ पे ये वाला तो जेड कैपिटल है और ये नीचे वाला स्मॉल है। अब क्या करेंगे, हम इस कंप्लीट इक्वेशन को एक्स वाई जेड से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे एक्स वाई जेड से, तो नीचे हमारे पास वन बाई एक्स कैपिटल एक्स डी का स्केयर एक्स वाई डी एक्स का स्केयर प्लस वन बाय वाई डी का स्केयर वाई वाई डी वाई का स्केयर प्लस वन बाय कैपिटल जेड डी का स्केयर कैपिटल जेड बाय डी स्मॉल जेड का स्केयर इजिकल टू जीरो। ने इसको इक्वेशन नंबर फोर्थ का नाम दे दिया। अब हमने यहाँ क्या देखा, जो एक्स वाई जेड है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो हमारी इक्वेशन फोर है, कैन बी ट्रू ट्रू कब है वो, इफ ईच साइड इक्वल टू सम कांस्टेंट वी से द फ्लोइंग थ्री केस अराइज। यहाँ पे तीन केस बनते हैं। केस वन में, या हम इसको ये बोल सम कांस्टेंट के लिए लेके चलते हैं इक्वल में, तो यहाँ पहले जीरो के लिए के चलेंगे, फिर एम का स्केयर और एन के स्केयर के लिए लेके चलेंगे, फिर माइनस एम का स्केयर और माइनस एन के लिए लेके चलेंगे कांस्टेंट के इक्वल। तो केस वन में क्या करेंगे, हम पहले इसको इक्वेशन जो बोलता है उसको जीरो के इक्वल लेके चलेंगे। तो क्या आ गया हमारे पास, डी का स्केयर एक्स बाय डी एक्स का स्केयर इजकल टू जीरो, डी का स्केयर वाई वाई डी वाई का स्केयर इजकल टू जीरो, डी का स्केयर जेड इजकल टू डी जेड का स्केयर इजकल टू जीरो। इनके जब हम जनरल सोल्यूशन लिखेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट का क्या बनेगा, एक्स इजकल टू ए एक्स प्लस बी, और इसी तरह जब इसका करेंगे हम जनरल सोल्यूशन, वाई इजकल टू सी वाई प्लस डी, और इसी तरह इसका ये सोल्यूशन बन गया जेड का इजकल टू ई जेड प्लस एफ। हैंस ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन इज द फ्लोइंग फॉर्म। कलेक्ट करके तीनों का सोल्यूशन यहीं पर लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, केस टू, उसमें क्या किया था, इसको तो पहले लेके चले थे कांस्टेंट जीरो के इक्वल, अब क्या करेंगे कांस्टेंट एम का स्केयर और एन का स्केयर के इक्वल। तो हमने यहाँ से जो इक्वेशन फोर्थ है, इसमें पहले ये माइनस एम के
स्केयर के कांस्टेंट के इक्वल या फिर एन स्केयर के। तो यहाँ से क्या गया, लेट वन वाई एक्स डी का स्केयर एक्स वाई डी एक्स का स्केयर इजिकल टू एम का स्केयर, और यहाँ से वन वाई वाई डी स्केयर वाई डी वाई का स्केयर इजिकल टू एन का स्केयर। तो इस जब हम इस टर्म को यहाँ इस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस एम का स्केयर आ जाएगा, इसकी इसी तरह इसको करेंगे इस साइड लेके आएंगे तो माइनस एन का स्केयर। तो यहाँ से क्या किया, हम मल्टीप्लाई कर देंगे कैपिटल एक्स से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी का स्केयर एक्स वाई डी एक्स का स्केयर माइनस एक्स एम का स्केयर इजिकल टू जीरो। इसी तरह यहाँ से कैपिटल वाई से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे वाई लग जाएगा। तो डी का स्केयर वाई वाई डी वाई का स्केयर माइनस एन का स्केयर वाई इजिकल टू जीरो। देन द इक्वेशन फोर गिव्स डी का स्केयर जेड इजिकल टू डी जेड का स्केयर प्लस एम का स्केयर प्लस एन का स्केयर ब्रैकेट जेड। ये कैसे आई, जब हमने यहाँ पुट किया है फोर्थ में, इसको तो हमने एम स्केयर पुट कर दिया, इस वाली टर्म को एन स्केयर, तो यहाँ से क्या गया एम का स्केयर प्लस एन का स्केयर, और ये जेड इस साइड आ गया, यहाँ से आ गया, और फिर इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ से ये इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट क्या किया, जब हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखते हैं तो इसका क्या होगा, यहाँ से इसका रूट क्या बना, प्लस माइनस एम बन गया। तो यहाँ से इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा इसका क्या होगा, एक्स इजिकल टू ए ई की एम एक्स प्लस बी ई की माइनस एम एक्स। इसी तरह जब हम इसका लिखेंगे इस वाली टर्म का, तो यहाँ से क्या प्लस माइनस एन आ गया इसका रूट, तो इसी तरह इसको भी लिख दिया वाई इजिकल टू सी ई की एन वाई प्लस डी ई की माइनस एन वाई, और फिर इसका जनरल सोल्यूशन लिखेंगे रूट ऑफ एम का स्केयर प्लस एन का स्केयर। जब इसका हम जनरल सोल्यूशन लिखेंगे इस वाली का जेड वाली का, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जेड इजिकल टू ई कोस लैम्बडा जेड प्लस एफ साइन लैम्बडा जेड, जो हमारे पास लैम्बडा का ही रूट आ गए थे। हैंस ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन इज द फॉर्म ऑफ, अब हमने क्या किया वही इसके सभी सोल्यूशन सोल्यूशन को कलेक्ट करके यहाँ पे लिख दिया ये वाला। केस थर्ड में क्या था, पहले तो हमने कांस्टेंट जीरो के इक्वल रखा था, फिर कांस्टेंट एम का स्केयर और एन के स्केयर के लिखा था, अब क्या करेंगे हम थर्ड केस में क्या होगा, माइनस एम का स्केयर और माइनस एन के स्केयर के कांस्टेंट के इक्वल लेके चलेंगे। तो लेट वन बाई एक्स डी का स्केयर एक्स वाई डी एक्स का स्केयर इजिकल टू माइनस एम का स्केयर, और यहाँ वन बाई वाई डी का स्केयर वाई वाई डी वाई का स्केयर इजिकल टू माइनस एन का स्केयर। वही किया यहाँ पे भी, यहाँ से मल्टीप्लाई कर, पहले तो इसको यहाँ लेके आएंगे तो प्लस में, इसको लेके आएंगे ये भी प्लस में, और यहाँ से तो मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से, तो यहाँ पे एक्स आ गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे वाई से, ये कैंसिल हो गया वाई, यहाँ पे वाई आ जाएगा, तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, जो हमारे ये मान्य हमने इक्वेशन गई ये जहाँ पे वन बाई एक्स डी का स्केयर एक्स वाई डी एक्स का स्केयर है, वहाँ माइनस एम का स्केयर पुट कर देंगे, जहाँ ये है वन वाई वाई डी का स्केयर वाई वाई डी वाई का स्केयर, वहाँ पे माइनस एन का स्केयर लिख देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा डी का स्केयर जेड वाई डी जेड का स्केयर माइनस एम का स्केयर प्लस एन का स्केयर जेड इजिकल टू जीरो। जब हम इसका जनरल सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ से, जब इस एक्स वाली टर्म का लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इजिकल टू ए कोस एम एक्स प्लस बी साइन एम एक्स जनरल सोल्यूशन। इसी तरह जब हम इसका लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई इजिकल टू सी कोस एन वाई प्लस डी साइन एन वाई, और इसी तरह जब हम इसका लिखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा जेड इजिकल टू कैपिटल ई ई लैम्बडा जेड प्लस एफ ई माइनस लैम्बडा जेड। फिर क्या करेंगे हम, हैंस ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन इज द फॉर्म ऑफ यू इजिकल टू एक्स वाई जेड, क्या गया था ए कोस एम एक्स प्लस बी साइन एम एक्स और सी कोस एन वाई प्लस डी साइन एन वाई, और ब्रैकेट कैपिटल ई ई की लैम्बडा जेड प्लस एफ ई की माइनस लैम्बडा जेड, और यहाँ पे वेयर लैम्बडा क्या था हमारे पास, इज इक्वल टू रूट एम का स्केयर प्लस एन का सोल्यूशन। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।